गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी शक्ल छोड़ यार। गाइज मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ दिनों से ठीक नहीं थी इसलिए व्लॉगिंग नहीं की। काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉग स्टार्ट किया मैंने। घर से जब निकली थी तब तो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि तब मूड नहीं था, साथ में तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अभी सोचा मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सुकून मिला घर से निकली थोड़ा बाहर। तो शक्ल मेरी अजीब सी लग रही होगी गाइस, तो इग्नोर करना। और मैं कहाँ पर हूँ अब भी नहीं बताऊँगी, मैं लास्ट में बताऊँगी। वेट करो पूरा ब्लॉग देखना। फिलहाल तो मैं छोड़ो यार, सुबह आई थी मैं घर से। इतना पागल हो सकता है इतना बीमार होने के बाद भी घर से बाहर निकलना? तो भाई ठीक नहीं, अभी टैबलेट खाई है थोड़ी देर पहले ही आई थी, काम था कुछ जिस वजह से आना पड़ा। बताऊंगी ब्लॉग के एंडिंग में, तब तक आप मेरा ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको, और मैं किसी के साथ नहीं हूँ इस ब्लॉग में, आपको कोई भी नहीं दिखेगा, देख सकते हो कोई भी नहीं, अकेली हूँ। व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, मैं कहाँ बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा शांति मिल रही है। सो गाइज देखो मैं कहाँ पर हूँ, गैस करो, जिसको पता है बताओ मेरे को, कमेंट सेशन में कमेंट कर देना। इतना है कि मैं जम्मू में नहीं, जम्मू से बाहर हूँ। कहीं भी जाना हो तो सडनली प्लान बनता है, और आज भी सडनली सुबह ही प्लान बना था तो सुबह सुबह निकल गए क्योंकि घर पे बैठे काफ़ी उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में। सोचा बाहर जाऊँगी तो अच्छा लगेगा, शक्ल भी ऐसे मरीजों वाली बनाई हुई है मैंने। चलो दिखाती हूँ मैं कहाँ पर हूँ, बताती हूँ आपको लास्ट में, तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। पता है यार, कभी कभी जैसा हम सोचते हैं ना वैसा कभी हो नहीं पाता है। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं हमारे साथ जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। मेरे साथ कुछ शायद ऐसा ही हुआ है जो मैंने सोचा नहीं था वो हुआ, बट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेरा ना हमेशा सबने एक ही रूप देखा है, हर किसी ने हंसते रहना, हर बात पे हंसना, कभी रोई नहीं, रोना क्या यार छोड़। मतलब कि हर कोई देखता था तो हर कोई बोलता था तेरी स्माइल कितनी सही है, किसी की नज़र लग गई मेरी स्माइल को, किसी की तो लगी है। और इंसान खुद से परेशान हो जाता है कभी कभी, जब वो जहाँ शांति चाहता है ना बट उसे मिल नहीं पाती। तो मैं थोड़ा परेशान हुई, घर से सडनली प्लान बना, निकल गई, पता नहीं था कहाँ, पता ही नहीं था जाना कहाँ है। घर पर बताया, पापा से बात की, तो पहुँच तो गए, बट बताऊँगी मैं कि मैं हूँ कहाँ पर, किन के साथ आई हूँ। अभी तो फिलहाल अकेली हूँ, खाली खाली जगह देखो, कोई भी नहीं है यहाँ, बट अकेले बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच में बैठने से अच्छा है अकेले बैठो। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है वो आपको पता नहीं होता है, क्योंकि वो सामने तो कुछ ही रहेगा बट उसके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता है। कोई कोई ऐसा फील करवाता है कि जितना स्पेशल हम उनके लिए इतना और कोई भी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है, उनकी लाइफ में और भी काफ़ी लोग होते हैं। बट एक ही बात बोलूँगी, मत करो ऐसा, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपका कुछ नहीं जाता है, बट किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
रियलाइज करना कभी हुआ नहीं है, बट कर। चलो बता ही देती हूँ मैं किसके साथ आई हूँ, मिलो इनसे। फेस तो अभी मैं अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, दिखाऊंगी सबसे मिलाऊंगी कौन कौन आया साथ में, बट नहीं आना चाहिए था। पता है मेरे को फीवर, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट घर पर चैन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। सोचा बाहर जाऊंगी, मन थोड़ा ठीक होगा, मेरे को बोला कि चलो तुम्हें आ गई, घर पे बात की। और वैसे भी जब कहीं भी जाना होता है तो सडनली प्लान बनता है, क्योंकि मैं पहले कभी प्लान नहीं करती कुछ। पता है यार, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को जिसके सामने प्रूफ ना करना हो ना, उनके सामने भी प्रूफ करना पड़ता है। बट कितना ही कोई खुद को प्रूफ करे, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान सब देखता है। बट वैसे दिखाती हूँ मैं आपको मैं हूँ कहाँ पे। मैं कोई आगरा नहीं आई हूँ भाई, मेरे को जो भी पूछा था कहाँ है, मैं बोल रही थी मैं आगरा जा रही हूँ, आगरा में नहीं हूँ, मैं हूँ रियासी वाली साइड। बट सुकून मिला यहाँ पे, काफ़ी शांत शांत जगह, देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे। और हम रियासी क्या लेने आए हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको ब्लॉग की एंड तक, बता ही दूँगी क्यों आए हैं, मेरे ब्लॉग में बने रहें एंड तक। मिलवाऊंगी मैं आपको, मैं किसके साथ आई हूँ, सबसे मिलवाऊंगी जल्दी। ओके स्टे ट्यून्ड।